सभी लोगों का। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे शक्ति दी आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने की। उसके बाद हमारे निर्णायकों का, जिन्होंने आज मेरे वाणी का शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया है। समय का पर्याय, जी हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है समय का पर्याय। घर, मकान, खंडर, इन तीनों स्तंभों को सजेता हुआ और इन तीनों स्तंभों से चक्कर लगाता हुआ यह है मेरा समय का पर्याय। अगर आज इस पूरे सदन में बैठे हुए कोई भी एक व्यक्ति अगर 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए भी अपने घर पर बात करता है मेरी कविता सुनने के बाद, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, मैं समझूंगा कि मेरा आना सार्थक रहा। तो कविता की ओर बढ़ते हैं। नहीं बजा सकते, बजा दीजिए। ये लगता है यहाँ से कुछ लोग खाना वाना खाकर नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। कविता शुरू होती है, कविता में चार किरदार हैं, बूढ़ा बाप, माँ, बहन और एक नौजवान बच्चा। सदियों बाद घर में फिर से रौनक आई है, सदियों बाद घर में फिर से रौनक आई है, एक तारी सुन चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उसकी उजाड़ बगिया में है फिर एक पुष्प खिला, उसकी उजाड़ बगिया में है फिर एक पुष्प खिला, अरमानों को उसके फिर पंखों का सहारा मिला। बहुत नौनिहाल बच्चे से इतनी उम्मीद हो, कई सारे अरमान कई सारी महत्वाकांक्षा है एक नौनिहाल बच्चे से और घर वालों को। सदियों बाद घर में फिर से रौनक आई है, किलकारी सुन चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, उसकी उजाड़ बगिया में फिर एक पुष्प खिला, अरमानों को फिर उसके पंखों का सहारा मिला। घर की दीवारें हैं, घर की दीवारें कोने सब, घर की दीवारें कोने सब झुके हुए थे जाले पर्दों में, घर की दीवारें कोने सब झुके हुए थे जाले गर्दों में, उसकी इज्जत भी छुपी थी दरवाजे पर रखे काट के पर्दों में। माँ बेटी के ब्याह को सोचकर, माँ बेटी के ब्याह को सोचकर अक्सर हो जाती थी दहेज की चिंता, अक्सर ही उसे भूखा सुलाती थी, दहेज की चिंता अक्सर ही उसे भूखा सुलाती थी। बेटे के आने से आया उल्लास में जीवन में, बेटे के आने से आया उल्लास में जीवन में, इंद्रा रहे थे खिले पुष्क अकेले वन में, अपने जिन अरमानों इच्छाओं को मार, अपने जिन अरमानों इच्छाओं को मार वो पीछे छोड़ चले थे, दोबारा सपनों के चाहत में अपना पद उस मोड़ चले। समस्याओं का वो पहाड़ अब धूल का ढेला हो चला था, समस्या का वो पहाड़ अब धूल का ढेला हो चुका था, पिचक चुकी देह पर अब सीना चौड़ा हो चला था। बेटी को विदा करेंगे ये बाप के अरमान है, बेटी को विदा करेंगे चढ़ा कंधों पर डोली में, भर देंगे काजू किशमिश सोना चांदी सब उसकी झोली में। बेटी को विदा करेंगे चढ़ा कंधों पर डोली में, भर देंगे काजू किशमिश सोना चांदी सब उसकी झोली में, और उसकी माँ को भी दो चार नई बनारसी साड़ी दिलाएंगे, उसकी माँ को भी दो चार नई बनारसी साड़ी दिलवाएंगे। इन सपनों को पूरा करने अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, अपने बेटे को पढ़िया बेटा पढ़िया कौन हार था, इच्छा शक्ति से भी ओतप्रोत था, पढ़ लिया अच्छा जीवन में काम कर लिया आगे बढ़ गया। और कहते हैं ना समय का पहिया हर किसी को घूमते हुए अपनी औकात दिखा देता है, ये वही समय का पहिया। बेटे को पढ़ लिख कर मिल गई सरकारी नौकरी, बेटे को पढ़ लिख कर मिल गई सरकारी नौकरी, भूल गया अपनों को जो मिल गई उसको छोड़ दी। बेटे का क्या ही है उस माँ बाप के बारे में, बेटे को पढ़ लिख कर मिल गई सरकारी नौकरी, भूल गया अपनों को जो मिल गई उसको छोड़ दी। याद न आई माँ की शिक्षाएं, याद में आई माँ की शिक्षाएं, भूल गया पिता का समर्पण। ये वही पिता है जो टूटी ऐनक पहनता था और बच्चों की फीस भरता था और जैसे जैसे ऐनक को अपने माथे पर लटका कर घूमता था, ये वही पिता। याद में आई माँ की शिक्षाएं, भूल गया पिता का समर्पण, कोई अपना न शेष था जो दिखलाता उसको दर्पण। हमारे जीवन में हमारे अपने कितने अहम होते हैं जो हमें दिखाया कि क्या सही है क्या गलत है। अब लड़का जिस पद पर जा चुका था उससे वो घर को मकान में और मकान को खंडर में तब्दील करने में बढ़ चुका था। और जैसे कहते हैं गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये मौसम चलता ही रहता है, वैसे ही सूखे बादल अब छट चुके थे, सूखे बादल छट चुके थे, गुलिस्तान में पतझड़ आ चुका था, सूखे बादल छट चुके थे, गुलिस्तान में पतझड़ आ चुका था। अब घर की याद आती है, अब घर की याद आती है, लड़की भी रह रहकर पछताती है,
अब सूखे बादल झट चुके थे, गुलिस्तान में पतझड़ आ चुका था। अब घर की याद आती है, लड़की भी रह रह कर पछताती है, साथ रहकर भी तन्हा सा लगता था, साथ रहकर तन्हा सा लगता था, झगड़ा होता था, झगड़ों से दुख दुगना रहता था, साथ रहकर भी तन्हा सा लगता था, झगड़ा होता था, झगड़ों से दुख दुगना होता था। वो सातों कसमों को भूल गई, वो लड़की अब सातों कसमों को भूल गई। और एक दिन ऐसा आया जब वो फांसी पर छू कोई अपना जिसके जीवन में कोई एक ही अपना हो, वो अपना भी उससे बिछड़ जाए, कैसी आप कल्पना नहीं कर सकते, कैसी यथास्थिति में वो गुजर रहा होगा, उसके चहु और अंधेरा सा छा चुका होगा। अंधेरा जी हाँ, अंधेरा आंखों में छा चुका था, अंधेरा आंखों में छा चुका था, खुशियों का शीश महल धुंधला चुका था, अंधेरा आंखों में छा चुका था, खुशियों का शीश महल धुंधला चुका था। क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, उसे कुछ समझना आता था। गांव का वो घर हमें नहीं, उसे यादों में सताता था। हमारे सबके साथ भी यही होता है, किसी के साथ कोई भी विपत्ति आ जाए, वो सबसे पहले अपने स्वजनों को याद करता, अपने माता पिता को याद करता, भले वो दर्शा या ना दर्शा है, पर याद करता था। ये भी हमें से एक है, इसके साथ भी यही हुआ, वो अपने घर वालों को याद करता है। और अब उस खंडर और रूपी घर में वो मकान के कुछ अंश ढूंढ पाया, घर था वो मकान हो चला था, मकान खंडर हो चला है, वो खंडर में मकान के अंश ढूंढ रहा है कि कहीं वो फिर से घर बना ले, इसी जद्दोजहद में हो गए। तो वो मेले में जिद करके झूला झूलना, उसे बचपन की सारी बातें याद आती है, वो मेले में जिद करके झूला झूलना, वो मेले में जिद करके झूला झूलना, सारा दिन मोहल्ले में लुका छुपी खेलना, वो मेले में जिद करके झूला झूलना, सारा दिन मोहल्ले में लुका छुपी खेलना, बहन की चोटी खींचना। अचानक ही उसे अपना स्कूल याद आता है, अचानक ही उसे अपना स्कूल याद आता है, वहां दिखती है उसे किताबें अनेक, अचानक ही उसे अपना स्कूल याद आता है, वहां दिखती है उसे किताबें अनेक। पर अब पछता है बहुत का जब चिड़िया चुप देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने। बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ भी इस तरह की घटना हुई हो, या किसी के भी साथ इस तरह का होने वाला हो, या उसको एहसास हो, तो कभी भी घर को मकान में तब्दील होने देना, और मकान को खंडर में। धन्यवाद।